हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पीज किचन में। आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, ऐसी रेसिपी है कम सामान में कम समय में बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और हमें ऐसी ही रेसिपी की बहुत जरूरत है। नो स्पाइसेस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है आधा कप कच्चा चावल। इस चावल को पहले हम अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भिगाकर रख देते हैं, और दूसरे बाउल में लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब उड़द की धोबा दाल, जिससे हम डोसा बनाते हैं ना, डोसा और इडली बनाते हैं सेम वही दाल लेनी है। अब इसको भी हम अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भिगाकर रख देते हैं। चावल आपके पास जो भी हैं आप वो ले सकते हैं। देखिए आधा घंटा हो चुका है, चावल और दाल दोनों अच्छे से भीग चुके हैं, देखिए एकदम से बढ़िया। अब आप सोचेंगे मैंने ये अलग अलग क्यों भिगाया, हम इसमें मिक्स करके भी भिगा सकते थे। हाँ जी, मैंने ये अलग अलग इसलिए भिगाया है क्योंकि इस जो हम डिश बना रहे हैं उसका क्रिस्पीनेस बना रहे और उसका हमारे बेस का कलर भी चेंज ना हो। अब हमको करना क्या है, अब एक मिक्सी के जार में सबसे पहले हम पीसेंगे चावल। आप ये प्रोसेस अगर आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं या आपको टिफ़िन तैयार करना है तो आप ये काम रात में भी करके रख सकते हैं। बस मॉर्निंग में सारी तैयारी हो चुकी है, आप मॉर्निंग में बस इसका इस ब्रेकफास्ट को बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हम इस चावलों को पीसने के लिए डालेंगे इसमें एकदम ठंडा पानी। अब आप सोचेंगे ये ठंडा पानी क्यों डाल रहे हैं, ठंडा पानी डालने से हमारी जो मिक्सी गर्म हो जाती है ना वो नहीं होगी, और हमारे चावलों का भी कलर चेंज नहीं होगा, और हमारी जो डिश है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी। चलिए इसको हम पीस लेते हैं। मैंने इसमें आधे चमचे के करीब पानी डाला है। अब हम इस बैटर को इसमें पलट देंगे। हमें बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इसी मिक्सी के जार में हम पीस लेते हैं अपनी दाल को। दाल पीसने के लिए हम ठंडा पानी यूज करेंगे, आधे चमचे से भी बहुत कम पानी, इससे मिक्सी गर्म नहीं होगी और मिक्सी को रुक रुक कर चलाएंगे। अब दाल को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर इसमें दाना, दाल या चावल में दाना रह गया है कोई बात नहीं, इससे बहुत बढ़िया क्रिस्पीनेस आएगा, थोड़ा सा दाना इसमें रहना चाहिए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, एकदम इडली डोसा बनाते हैं ना सेम वैसी है। ज़रूरत लगेगी तो हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पर रख देते हैं, इसको ढककर। जब तक हमारा बैटर रेस्ट पर है तब तक हम बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए चटनी। गैस पर पैन है, पैन में दिया हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। अब इसमें डालेंगे हम धनिया सीड्स, साथ में डालेंगे थोड़े से पीनट के दाने। अब हम इनको दानों को पहले भून लेंगे। 2 साबुत खड़ी हुई लाल मिर्च, अगर लाल मिर्च आपके पास साबुत सूखी वाली नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे लहसुन की 2 कलियां, अगर आप लहसुन नहीं यूज करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर जल्दी से गल जाए तो हम इसमें नमक स्वाद अनुसार। टमाटर अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं, अब हम गैस कुकर देते बंद और इसको बेस को करने रख देते ठंडा। बेस ठंडा हो गया है, मिक्सी का जार लेंगे, सारा बेस इसमें पलट देंगे। इसको पीसने से पहले हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, हरा धनिया अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिए। अब हम इसको पीस कर लाते हैं। लीजिए चटनी को हमने बाउल में निकाल लिया है, कितना बढ़िया कलर आया है। इस चटनी को और बढ़िया फ्लेवर देने के लिए अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। हमने पैन रख लिया है, पैन में डाला है थोड़ा आधा चमचे के करीब, आधा टेबल स्पून डाला है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, थोड़ी सी करी, इसको डाल देंगे चटनी में। चटनी को कर देते हैं साइड में। बेस को भी रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च चॉप की हुई,
चॉप किया हुआ हरा धनिया, आधा टेबल स्पून डालेंगे धनिया सॉरी जीरा पाउडर, 2 पिंच डालेंगे हींग, नमक स्वाद अनुसार, आधा टी स्पून डालेंगे इसमें खाने वाला सोडा। अगर खाने वाला सोडा नहीं है तो आप इसमें इनो पाउडर भी यूज कर सकते। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इनो पाउडर डालने से ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और हमारे जो भजिए हैं बहुत ही ज्यादा फ्लफी बनेंगे। इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये देखने में थोड़ा फ्लफी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका बेस थोड़ा सा लूज यानी कि पतला हो गया है तो आप इसमें चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं। चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें मैदा का प्रयोग कर सकते हैं। टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा, डिश आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैंने इसको फैट मिक्स करने के लिए हाथ का प्रयोग किया है, आप स्पून का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर मैंने पैन रख लिया है, पैन में दे लिया है ऑयल। अब ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम अब धीरे धीरे इसमें पकौड़े तोड़ना स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे आप इसमें तोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। ये देखिए एक बार में जितने हैं आ जाएंगे हम उतने इसमें डाल देंगे। छोटे छोटे आपको इसमें भजिए इस प्रकार से तोड़ने हैं। देखिए कितनी बढ़िया इसमें जाली आ गई है, ये फूल कर एकदम गोल गोल हो गए हैं। अब हम इनको पलट देते हैं, ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई करेंगे। देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब इनको हम फ्राई से निकाल लेते हैं। इन पकौड़ों को निकालने के लिए मैंने नैपकिन पेपर का यूज किया है। वैसे तो ये ऑयल पीते नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें ऑयल होगा तो ये ऑब्जर्व कर लेंगे। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। लीजिए बनकर तैयार है कच्चे चावल से ये हेल्दी नाश्ता। बहुत ही कम समय में बच्चों का टिफिन हो, ब्रेकफास्ट हो, नो स्पाइसेस, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार। ये देखिए ये ऊपर से कितनी क्रिस्पी है, आप इसकी आवाज सुन सकते हैं, और अंदर से एकदम सॉफ्ट, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और इसके साथ ये हमने जो चटनी बनाई है वो इसके तो क्या बात, एक बार जरूर बना के देखिए। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।